नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़ने के तुरंत बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा था कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार नहीं हुआ है। वही नीतीश कुमार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता होंगे। अब ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर मेरे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व नौकर शाह जवाहर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। जवाहर सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा है कि 1980 में सत्ता में लौटने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके पिता डॉक्टर सुब्रमण्यम को रक्षा उत्पादन सचिव के पद से हटा दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को प्रचार पाने का प्रयास बताते हुए कहा है कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथे कृषि रोड मैप पर आयोजित किसान समागम में भाग लेकर लौटने के दौरान पत्रकारों ने नीतीश से पूछा कि कुशवाहा कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती नहीं है, तो इस पर नीतीश ने कहा है कि कौन क्या बोलता है उसे आप समझ ही सकते हैं, प्रचार पाने के लिए वह बोलते रहते हैं। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोपों के करीब एक महीने बाद नए आरोप लगने शुरू हो गए हैं। अब विकिपीडिया ने आरोप लगाया है कि पहचान छुपाकर ऑनलाइन अभियान चलाने वालों ने जनमत तैयार करने और पाठकों को धोखा देने के लिए एक दशक से अधिक समय तक गौतम अडानी, उनके परिवार और उनके कारोबार से जुड़ी मनगढ़ंत बातें फैलाई गई हैं। आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने दावा किया है कि होली बाद तेजस्वी यादव बिहार का कमान संभालेंगे। विजय कुमार मंडल के अनुसार मार्च में सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को प्रभार सौंप देंगे। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग चाहते हैं कि अगले महीने ही तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बने और सीएम नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे आए। राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर उन्हें कोई शक नहीं है, नीतीश कुमार पर भी पूरा भरोसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने अडानी को बैंकों और LIC में रखा लोगों का पैसा सौंपने के साथ ही सरकारी जमीन पोर्ट और सड़के सब कुछ उनके हवाले कर दिया, जिसके कारण वह आज लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया है। भोजपुरी गायिका ने मुख्यमंत्री के शासन पर सवाल उठाया और DM को रंगबाज बताकर संबोधित किया तो पुलिस ने नोटिस भेज दिया। गायिका के नापसंद बोल का यह मामला योगी सरकार में देखने को मिला है। प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका ने अपने गाने में अधिकारियों और लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया था। यह सब हुआ है जब भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के साथ, जिसमें यूपी में काबा सीजन 2 में बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के DM को रंगबाज करार दिया है। G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहे भारत में अब यूथ 20 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने की जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र को सौंपी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग यह जिम्मेदारी संभाल रहा है। मार्च और अप्रैल में होने वाले इन सम्मेलनों के माध्यम से युवाओं को जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे विषयों पर सरकार की पहल एवं जनता के योगदान की सीख दी जाएगी। मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि आज 22 फरवरी को सुबह मैंने सपने में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को देखा। उन्होंने मुझे गले लगाकर स्नेहिल आशीर्वाद दिया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके दिखाए रास्ते पर आजीवन चलूं। आज मैं अपने मंत्रालय अरण्य भवन साइकिल से जा रहा हूं, मंत्री तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत की। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा है कि संविधान सर्वोच्च है और अनुलंघनीय है और उच्चतम न्यायालय की विश्वसनीयता शिखर पर है, जिसे व्यक्तियों के बयान नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली और न्यायपालिका के खिलाफ रिजिजू और धनखड़ की टिप्पणियों को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। मार्च 2023 में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे और इनमें वीकेंड भी शामिल है, इसलिए देरी किए बिना ही अपने बैंक से संबंधित सभी काम इसी महीने में निपटा ले। भारत में बैंक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम करना जारी रखता है, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी होती है। मार्च 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12 दिन बंद रहेंगे। दिल्ली में विवादित शराब नीति पर घिरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। CBI ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न स्तरों पर VVIP कल्चर को खत्म करने के दृष्टिकोण के तहत अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक फैसला लिया है। वैष्णव ने अपने कर्मचारियों से ऑफिस से अटेंडेंट को बुलाने वाले बेल को हटाने के लिए कहा है।
उनका कहना है कि अटेंडेंट को बुलाने के लिए घंटे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिकारियों को अटेंडेंट को पर्सनली बुलाना चाहिए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एक्ट टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC ने साफ कर दिया है कि ट्रेनों में खाने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराना मेन्यू अपने पुराने दाम पर ही मिल रहा है। यात्रियों को और अधिक विकल्प देने के लिए एक अतिरिक्त मेन्यू लागू किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का क्रेज बढ़ने लगा है और अब यह ट्रेन यात्रियों की पहली पसंद बन गई है। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 10 मार्गों पर हो रहा है। इसी बीच 60 सांसदों ने भी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को इस अत्याधुनिक ट्रेन सेवा से जोड़ने के लिए रेलवे की याचिकाएं दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जल्दी भारत के दौरे पर आ सकते हैं। भारत में इसराइल के राजदूत नेओर गिलन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्दी इसराइल के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भारत दौरे की तारीखें तय करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नेओर गिलन ने कहा है कि भारत क्षेत्रीय ताकत से वैश्विक ताकत बन गया है। भारत इसराइल के कूटनीतिक संबंधों को 30 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हमने हरियाणा में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। रेलवे माल ढुलाई और पार्सल ट्रेन में वस्तुओं को चोरी होने से बचाने के लिए जल्दी OTP आधारित डिजिटल लॉक सिस्टम का इस्तेमाल शुरू करने वाला है। एक सीनियर ऑफिसर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसका मतलब है कि आपके माल और पार्सल की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकेगी और रेलवे के ढुलाई के दौरान इनकी चोरी की संभावना भी खत्म हो जाएगी। मंगलवार को दीमापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद ED हो, CBI, IB, इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन जैसे महत्व की संस्थाओं को ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया है, लेकिन आज आप उसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी एजेंसियों में हाथ डाले में और फिर कहते हैं कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं। देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नवीनतम बढ़ोतरी के बाद 7 दिनों और 10 वर्षों के बीच के कार्यकाल के लिए HDFC बैंक आम जनता के लिए 3% से 7.10% और 3.50% से 7.60% तक की ब्याज दर प्रदान कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए HDFC बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर नई ब्याज दर 21 फरवरी 2023 से प्रभावी होंगी। भारत की सड़कों पर कारों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 14 से 15 करोड़ कार मौजूद है। देश में बढ़ती कारों की संख्या के साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, जिसमें ज्यादातर हादसे खराब ड्राइविंग, सीट बेल्ट न लगाने के कारण होते हैं। मगर हाल में ही आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का नाम दुनिया में सबसे खराब चालकों और देश के रूप में नंबर 4 पर लिस्ट में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद रत्न सम्मान 2023 के लिए नामित सांसदों को बधाई दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राजद के मनोज झा, माकपा के जॉन ब्रिटास सहित 13 सांसदों को संसद रत्न सम्मान 2023 के लिए नामित किया गया है। इस सम्मान के लिए 13 सांसदों को नामित किया गया है, जिसमें 8 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के सदस्य हैं। इसमें 3 पूर्व सांसद भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि संसद रत्न सम्मान के लिए नामित संसद के सभी सहयोगों को बधाइयां। वे अपनी समृद्ध अंतर्दृष्टि के साथ संसदीय कार्यवाही को समृद्ध करते रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के अधिकार हासिल करने के बाद टाटा समूह ने अपनी पहली महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के टाइटल अधिकार भी हासिल कर लिए हैं। WPL के शुरुआती सीजन मुंबई में 4 मार्च से शुरू होने वाला है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जैसा ने ट्वीट करके इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही कि टाटा समूह पहले WPL का टाइटल प्रायोजक होगा। उनके सहयोग से हमें पूरा भरोसा है कि हम महिला क्रिकेट को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने आटा के दामों में कमी लाने के लिए FCI के भंडार से खुले बाजार में 20 लाख टन और गेहूं उतारने का फैसला लिया है। खुला बाजार बिक्री योजना 2023 के तहत यह गेहूं आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक खरीदारों, गेहूं से बने उत्पादों के निर्माताओं को ई नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। इस फैसले के बाद योजना के तहत इस वर्ष सरकार ने अब तक 50 लाख टन गेहूं बाजार में बेचने का फैसला लिया है। पठान हर दिन के साथ एक नया इतिहास रच रही है। शाहरुख खान की इस फिल्म ने हाल ही में दुनिया भर में 1,000 करोड़ की कमाई के आंकड़ों को पार कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह बॉलीवुड की पहली फिल्म है जो बिना चिन्ह में रिलीज हुए इस क्लब में शामिल हुई है। फिल्म की सफलता से पूरा बॉलीवुड काफी ज्यादा खुश है। पठान के शानदार कलेक्शन के बाद अब स्वरा भास्कर का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की शानदार कमाई को लेकर बॉयकॉट गैंग पर निशाना साधा है। एक्ट्रेस ने ट्वीट के जरिए फिल्म का विरोध करने वालों पर तीखा हमला भी बोला है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपने अधिवेशन के पहले पार्टी के फंड को बढ़ाने और कुछ संगठनात्मक बदलाव को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अधिवेशन में सदस्यता शुल्क को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। इसके साथ साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्यता हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी को भी चुनावी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
मुंबई में हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 की घोषणा हुई, जिसमें साल 2022 की विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है, जिसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। दादा साहेब के नाती ने खुद इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पैसे लेकर ये अवार्ड बांटे गए हैं, जब अब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी फिल्म को ये अवार्ड दिए जाने पर तंज कसा है। एशियाई विकास बैंक यानी मनीला स्थित बहुपक्षीय ऋण एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि उसके अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक में भारत के बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास और जलवायु कार्रवाई के लिए एडीबी के समर्थन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। एडीबी व्यापक हितधारक परामर्श प्रक्रिया के बाद भारत के लिए नई पंचवर्षीय देश साझेदारी रणनीति को अंतिम रूप दे रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि तेज समावेशी और हरित वृद्धि के लिए भारत की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एडीबी 5 साल में 20 से 25 अरब डॉलर देगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखते हुए मंगलवार को ओडिशा स्थित चांदीपुर के लॉन्चर कॉम्प्लेक्स 3 से सुबह 10:10 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखते हुए मंगलवार को ओडिशा स्थित चांदीपुर के लॉन्चर कॉम्प्लेक्स 3 से सुबह 10 बजे स्वदेशी कौशल से निर्मित इंडिजेंस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सरकार की मंजूरी मिलने पर ब्रह्मोस एयरोस्पेस 8 साल में सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण तैयार कर सकता है। इसके बाद सेना दुश्मन के ठिकानों पर और तीव्रता से हमला करने में सक्षम होगी। बलों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों और बमों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसे हथियारों की सफलता को देखकर इसकी जरूरत और अधिक महसूस की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल तैयारियों का जायजा लेकर दिल्ली लौट गए हैं। 24 से 26 फरवरी चलने वाले 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के करीब 15,000 कांग्रेस प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अंशुप्रिया, MD साकिर हुसैन, अनवर हुसैन, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, रवि शंकर, महमूद अंसारी और MD नौशाद रजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।